कांत तुषार कांत विद्यार्थी द्वारा यातायात सप्ताह चलाया गया। नीमच बस स्टैंड पर ड्राइवर और कंडक्टर बस मालिकों को समझाइश दी गई कि शराब पीकर और किसी प्रकार का नशा कर वाहन ना चलाएं, जिससे आपको हानि पहुंचे व दुर्घटनाग्रस्त का कारण बन जाए। जहां एसपी तुषार क्रांति विद्यार्थी ने सूचित किया गया कि कोई भी आपके सामने यात्री हद से ज्यादा भर ले, यहां पर कोई बस वाला नशा करे तो यातायात तुरंत सूचना दे, जिन पर यातायात सख्त कार्रवाई करेगा। नीमच से इमरान खान, सहयोगी जावेद खान की रिपोर्ट, एसकेएस न्यूज। कुछ दिशा निर्देश नीमच पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं। यदि इस बस में निर्धारित क्षमता से अधिक यदि सवारियां बैठती हैं, यदि बस का ड्राइवर शराब पिए हुए है, यदि बस का इसकी जानकारी यदि आपको मिलती है, इसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि सवाल होगा, वहाँ पर पुलिस बल पहुँच के कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इसके लिए सूचित करने के लिए टेलीफोन नंबर इस्तेमाल किए गए हैं, इन नंबरों पर आप लोग मेरा इस बस में यात्रा कर रहे सभी सवारियों से अनुरोध है कि आपकी जान आपके परिवार के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश के आने वाले भविष्य की तमाम जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है, इसलिए आवश्यक है कि आप लोग सुरक्षित तरीके से यात्रा करते हुए। नीमच पुलिस द्वारा बस दुर्घटनाओं को नहीं होने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें हमारे यातायात पुलिस द्वारा कंट्रोल बनाए गए हैं और प्रत्येक बस पर उनको डिस्प्ले किया जा रहा है। इसमें अंकित है कि वाहन में जो भी पैसेंजर्स को ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही है बस, उसमें निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जाता है। बस चालक यदि तीव्र गति से वाहन चलाता है, शराब का सेवन करता है, निर्धारित रूट से बस को नहीं ले जाता है, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल जो कि यात्रियों के लिए है उसका इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, तो संभावित दुर्घटना ना हो सके इसके लिए उसमें कंट्रोल रूम का नंबर, हमारे CSP का नंबर, हेल्पलाइन नंबर अंकित किए गए हैं। जैसे ही पब्लिक के द्वारा उसको सूचित किया जाएगा, तत्काल हमारे नियर बाई पुलिस स्टेशन द्वारा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और उनकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जाएगी। सर, अभी भी अगर आप चेक करना चाहेंगे वापसी का नियम के लिए, तो ऐसे ट्रेवल के पीछे बने हुए डेली प्रतिदिन वहाँ से क्विंटलों माल लद के जा रहा है बसों पर डेली 4 से 5 के लिए। अभी भी आप जाएंगे अगर चेक करने, अभी माल मिलेगा आपको। बिल्कुल, आपने सही कहा, इसी के लिए अभियान चलाया गया है। ये अभियान इसलिए चलाया गया कि इन चीज़ों पर अंकुश लग सके। यदि